यहाँ पे गौ माता की आरती सामूहिक हुआ। इसका मेन उद्देश्य है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता कैसे करें, इसके लिए आज हम सामूहिक यहाँ पे आरती किए हैं और गौ माता से ही प्रेरणा लेकर के हम संकल्प करें कि हमें इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि आप हमारी प्रार्थना को सुने ताकि पूरे भारत में गौ हत्या बंद हो, क्योंकि गौ हत्या बंद होगा तभी ये भारत सनातन बनेगा, नहीं तो तब तक सनातन नहीं बनेगा हमारा देश जब तक गाय की हत्या ना बंद होगा। क्योंकि हम सुबह उठते हैं और हजारों गाय कत्लखाना में जाकर के घटना चालू हो जाती है, लेकिन ये वेदना इन संवेदना को दिखाने के लिए आप सामूहिक रूप से यहाँ पे आए हैं। आप हम सब लोग जो महाआरती आज हम लोग ने किया है, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, और विशेष करके यहाँ पे भजन मंडली जो हमारे माताएं लोग हैं यहाँ पे बहुत सुंदर भजन सुनाए हैं गाय के लिए। हम एक ही बात कहते हैं कि यह आपके हर्षोल्लास हर हमेशा बना रहे गाय के प्रति, और कोई भी गाय गौशाला में जाकर के इसी तरह से गाय माँ की ग्रास दें ताकि हमारे भैया भैया भूखी हो रहे हम सब एक सबसे बड़ा कलंक है हमारे माथे के ऊपर में है, जिसका नाम है गौ हत्या। गौ हत्या जो हो रहा है जिसके कारण हमारा देश पीछे जा रहा है संस्कृति और संस्कार में। संस्कार और संस्कृति हमें अगर चाहिए तो गाय को बचाना पड़ेगा, क्योंकि गाय के द्वारा हमें पति प्राप्त होता है, गाय के द्वारा हम मंदिर में अभिषेक पूजा जो कुछ करते हैं गाय के गोबर से पवित्रता हमें मिलती है। और त्यौहार हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी महोत्सव हो, तो बिना गाय के गोबर से पवित्रता होती नहीं है। इसलिए गाय को बचाने के लिए हम लोग अग्रसर रहे, और कहीं भी कोई गौशालाओं में अगर कोई कार्यक्रम हो तो आप लोग व्हाट्सएप देखेंगे तभी आएंगे, नहीं हमें पता चला हम वहाँ पे, और ताकि गाय माया से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भैया मैया मुझे आप कोई शक्ति दे और ये शक्ति वहाँ तक पहुँचाए जहाँ से गौ हत्या बंद होती है। तो आज के सरकार जो सेंट्रल हमारा ही सरकार है, देंगे कि हमारे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें ताकि हमारे देश के ऊपर में यह कलंक निकले और पुनः हमारा देश गुरु बने। तो आप सब लोग को साधुवाद कि महाआरती में आप लोग पहुँचाए। बोले गौ माता की, बोले गौ माता की, दुर्गा माता की, गीता माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया स्नान ग्रहण करें। इस महाआरती के बाद सम्मान का समारोह है, तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया आसन ग्रहण करें। इस महाआरती के नमस्कार, आप सभी से निवेदन है कि कृपया आसन ग्रहण करें। एक छोटा सा कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम सनातन हिंदू संघ की ओर से किया जाएगा, तो सभी से निवेदन है कि कृपया आसन ग्रहण करें, बैठ जाएं। जय गौ माता, जय गौ माता। एक बार पुनः सभी से निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं। रिवर्ट लेन तो है आत्मा का। सभी से निवेदन है कि कृपया आसन ग्रहण, बैठ जाएं। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कृपया
से निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं, आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। सभी से निवेदन है कि कृपया आसन ग्रहण करें, आगे का कार्यक्रम हम जान सकते हैं। सबसे पहले सनातन हिंदू संघ और हिंदू टू हिंदू एसोसिएशन